जय जोहर संगवारी। आज के वीडियो फिर से छत्तीसगढ़ी में ब्लॉग वीडियो। तो आज हरे भागवत शिव महापुराण के अंतिम दिन और आज अंतिम दिन का भंडारा आयोजक परिवार द्वारा रखा गया है और इसमें गांव वाले भी सम्मिलित हैं। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को भंडारा की ओर लेके चलते हैं और शुरुआत से लेकर अभी तक के जो हुए उसके बारे में पूछते हैं। चलकर अंदर भंडारे की ओर जो सियान लोग हैं उनको पूछते हैं। और मेरा ब्लॉग थोड़ा हिंदी थोड़ा छत्तीसगढ़ी मिक्स टाइप रहता है, तो एंजॉय कीजिए इस तरह से। और हमारे सगा मनीष ध्रुव, जयराम और जय छत्तीसगढ़। और वीडियो जय जय मन देखा थोड़ा तो मन अभी तक लाइक नहीं करे ना तो अभी लाइक करो। आप मन वीडियो ला अभी शुरू करें, अभी शुरू करें, लेके चलते भंडारा की ओर। और दो जन भाई मतलब देखो उधर काम आ जाते, चलो मतलब पूछते हैं जाके। तो ये मन अभी पोछा काम कर रहे थे, देख सकते हो। तो हम मन चलते ना बोती जाके पूछबो सियान मल्ल के का का सब्जी बनाते, का प्रोसेस चलत रह युवा साथी। और ये मन हरे हमर युवा साथी हमर गांव के, ये मन बड़ मेहनत कर शुरू से लेकर अंतिम तक और पूरा जोर लगा दे संपन्न बनाए मर। कुछ कहना चाहते इंटरव्यू हरे ये मन कुछ नहीं बोल कहा थे समाज मंदिर। चलो चलते सियान मन पूछल का हो चुके ममल पुस्तन मंजन घसत है तबुले रुक के बाद में बताऊं, बाद में बताऊं कहा तुम्हारा। हमारे एक्सपर्ट कुकिंग मास्टर पुस्तन पूरन नायक जी जो खाना बनाते वो अब्बड़ दिन के मेहनत करे थे, आज नौवा दिन है और भारी जोर से भात चुरो थे। कैसे लगे थे शुरू से लेकर अंतिम तक अभी मेहनत करा था सस्ता? ऐसे तो ठीक लगे थे, ऐसे ठीक लगे थे, लेकिन भंडारा है यहाँ तो जनसेवा करना चाहिए, सेवा जरूरी है और ये सेवा से सबसे बड़े सेवा तो ये है हमार। हाँ, और आने वाला समय में इसमें मौका मिल जाएगा, मौका मिल जाए तो फिर आप बलाल मत लगे। और ये अरे दोस्तों ये मत सब जन शुरू से लेकर अंतिम तक अपन भात रहने फुर्सत नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर, बहुत जोर से मेहनत करे थन। और एक प्रक्रिया हम बता दे थन, भात के प्रक्रिया ला बताओ बताओ। ये कि हम पहली चूल्हा में चढ़ाए थन, ओकर बाद में गरम होए के बाद पानी गरम होए के बाद में हम बैगा बना थन, तो एकर नीचे में भात भात के नीचे में वो कटोरा है वो वहाँ झांझी के रूप में बने जाते हैं, तो वहाँ से हम यहाँ से निकाल थन चावल ला, एक बाद में डाल थन और डाले के बाद में जो पसे रहते वो पूरा सूखते वहाँ। ये प्रक्रिया है हमारे, तो ये प्रोसेस ला एकदम बखूबी से बताइस हमारे भैया पूरा नायक जी। और चलथन अब महिला मंडली को, और महिला मंडली मन है बनाते अभी पूड़ी बेला थे रोटी बेला थे, और देख सकते हो रोटी बेला थे हम बड़े मामा ने पूछथन के रोटी कैसे बना। बोला नहीं का बेटा तो इकर कहना है कि बढ़िया बढ़िया बना थन कीजिए और सबो अच्छा चूरा थे। और ए मन ती देख सकते रोटी पका थे चूरा थे अभी में पूड़ी चूरा थे और में बड़ा चूरा थे। और अब मन लेके चल था एक जन सियान की ओर जे है खीर पका थे और जे है बहुत एक्सपीरियंस वाला है हमारे भैया, बहुत एक्सपीरियंस वाला
खीर पका रहे भैया जी पका रहे हैं। तो एक बार लेके चलते हो एक झनऊ भैया जी हाँ तो अभी केवल दास हाथ तो वीडियो ला अब यही समाप्त करथन संगवारी हो चरण। हाँ दिवस समिति के अध्यक्ष चरण दीवान से कुछ पूछना चाहते जो अभी शांत बैठे बहुत समय दान दिए हैं और इनके साथ एहर संगवारी हमार युवा समिति के अध्यक्ष चरण दीवान जी और इस शुरू से लेकर अंतिम तक पहले दिन से लेकर आज नौवे दिन तक अपना कार्यभार संभाले हुए और जिम्मेदारी बखूबी से निभा रहे हैं युवा समिति को अच्छा से सपोर्ट कर रहे हैं और अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं और दिखा सकते हो पूनम दीवान जी हमारे युवा समिति जल ग्रहण करते हुए तो हमारे बीच अब सचिव भैया जी उधर हैं जय श्राम संगवारी हो। हमारे गांव में नौ दिन तक निरंतर चलने वाला श्रीमद श्री महापुराण कथा चलत है तो हमारे गांव के सब युवा साथी मतलब सेवा करे के पावन अवसर मिले सज्जन मिल जुल के अच्छा से काम कर सक सेवा करे के मौका मिले से वो अच्छा से भगवान कृपा से निपटाए है। आज अंतिम दिवस है अंतिम दिवस है सेवा करे के अवसर मिले हैं सब जन अच्छा से काम निपटावत है वो अच्छे से निपटे बस यही काम है। तो मन कुछ कुछ बोल लो बोल ले रहे जय श्री राम कथी जय श्री राम बोल चल ना आवत काली के लाल हो गए पिछवाड़ा रुके रह ना पूरा ना चला पूछ पूछ पूछ। हाँ बाबा नौ दिन तक कार्यक्रम चले बोलेंगे मिर्चा धरा बोल दे भागवत नौ दिन ले शिव महापुराण भागवत कथा होई से उमर मन के प्राइवेट निजी विचार रखो कैसे लगी कैसे कैसे सेवा दान सेवा तो अलवा जलवा दे हरे भाई जितको करबे उतना तो जितना करबे उतना कम हरे लेकिन थोड़ा बहुत करे हैं भगवान देश जतनो बनी बस बस अपन तरह से जैसे भी बने ये हमारे युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष ते अपन राय रख महापुराण के विषय में रखना नहीं हाँ समाज हाँ विचार रखो यानी कर मन डाल ले सहयोग करें कि कितनी बता जी इसीलिए हम मरदान परिवार के उसे वहाँ से महापुराण हमारा बुलाए इसकी सहयोग करू इसी इसलिए वही समाना सहयोग प्रदान करें दान करें समय दान तो दे हैं जी सभी जन दे हमारे ग्राम के समिति का सब सेवा दान ये हमारे संचालक महोदय किरण ध्रुव जी संचालन कर दे बता अपन ये हम बता दे रहे हम बताओ वो बता लो चल ते रह जा महिला मन रहते बने जान आओ ये जानी कैसे कैसे तुम्हारे विचार।